सो रिसेंटली एम्स देवधर में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है। 27 अक्टूबर 2023 को ये PDF पब्लिश किया गया है, दैट मीन्स ये नोटिफिकेशन आया है। एंड इस वैकेंसी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? देखो, डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एम्स देवधर काफ़ी नया इंस्टीट्यूट है, 2019 में ही ये इस्टेब्लिश हुआ है। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे सिर्फ MBBS एंड नर्सिंग कोर्स ही कराए जाते हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे। तो 90+ वैकेंसीज है आई गेस टोटल मिला के। डिफरेंट पोस्ट है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए लेवल 7 की पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है यहाँ पे। एंड लाइब्रेरियन के लिए भी एक वैकेंसी है, मेडिकल सोशल वर्कर, इन 3 पोस्ट के लिए लेवल 7 की सैलरी यहाँ पे मिलने वाली। तो जो बेसिक पे होगा वो तो आपको मिलेगा, इसके साथ साथ डिफरेंट अलाउंसेस दी जाएगी, जिसमें HRA, DA, TA एंड कुछ डिडक्शंस भी होंगे, जैसे पेंशन और टैक्स वगैरह, तो वो सब भी यहाँ पे दिया जाता है। अब कटपिट के आपको कितना मिलता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि लेवल 7 की ये पोस्ट है, ये टॉप 3 पोस्ट, इसमें आपका 4600 ग्रेड पे की सैलरी मिलती है, दैट मीन्स 45,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपकी बेसिक पे होती है। इसके साथ साथ अगर अलाउंसेस मिलते हैं तो सारे अलाउंसेस ऐड करने के बाद, डिडक्शंस के बाद, इन हैंड सैलरी आपको अप्रॉक्सीमेटली 70,000+ ही होती है। सो आप इतना मान के चलो, अगर लेवल 7 की पोस्ट है तो 70,000+ आपको सैलरी मिलेगी, और अगर लेवल 6 या लेवल 5 की सैलरी है तो आपको अराउंड 60,000 और 65+ ही आपको सैलरी मिलेगी। सो डिफरेंट अलाउंसेस के बारे में भी यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट में बात की गई है, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगी। एंड बाकी पोस्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी है, जो कि BMLT जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एंड डिटेल सिलेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 ये वैकेंसी है, ये लेवल 6 की है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लाइब्रेरियन ग्रेड 1 की देख सकते हैं, जो कि लेवल 7 की ये सैलरी है। सो देयर इज अ डिफरेंस, इसके क्वालिफिकेशन में हम बात करेंगे। सो बाकी हॉस्टल वार्डन के लिए आप देख सकते हैं, स्टोर कीपर के लिए टोटल 5 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए है, उसके बाद लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, कैशियर, लैब अटेंडेंट, जूनियर वार्डन एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3। तो ये सारे पोस्ट हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी लेंदी है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आप लाइक अपलोड तो करोगे, लेकिन फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। फॉर्म फिल करने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जितने भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड देन बात करें तो यहाँ पे आप मेडिकली फिट होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम CVT और इंटरव्यू जो भी है, यहाँ पे आप एग्जामिनेशन दोगे वो तो आपको क्वालिफाई करना ही है, लेकिन आप मेडिकली फिट भी होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सो ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, राइट? तो यहाँ पे CVT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होगा। हर एक पोस्ट के लिए स्ट्रक्चर क्या है, क्या सिलेबस है, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो स्टेज बहुत ही इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी फाइनली आप सेलेक्ट हो पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CBT क्वालिफाई करने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ या तो उनका डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाता है या कुछ अदर रीजंस, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो सकता है। टेस्ट सेंटर क्या है? 3 सेंटर है और यहीं पर आपका एग्जामिनेशन होगा, और मे बी इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम अप्लाई करेंगे तब। सो न्यू दिल्ली, दिल्ली NCR, कोलकाता या फिर बेंगलुरु में आपका सेंटर जा सकता है। आपको यहाँ पे प्रेफरेंस फिल करना होगा, आपकी प्रायोरिटी क्या है वो ऑर्डर आप यहाँ पे जब फॉर्म फिल करोगे तो वो आपको मेंशन करना होता है। एडमिट कार्ड, जितनी भी डिटेल्स है आपको एम्स देवधर की ऑफिशियल साइट पर ही मिल जाएगा, और जो भी रिजल्ट और मेरिट लिस्ट वो सारी चीज़ें पब्लिश होगी एम्स देवधर की ऑफिशियल साइट पर, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अपर एज लिमिट क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो सारी चीज़ें गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगी। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 1500 रुपीज़ रहेगी अगर आप जनरल OBC से बिलोंग कर रहे हैं, बाकी सारी कैटेगरी के लिए 1200 रुपीज़ है। वेमेन के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, इन एडिशन टू पे आपकी जो सैलरी होती है उसमें कई सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी सर्व किए
जाएगी। तो डीए, एचआरए, टीए, लीव, एलटीसी, एनपीसी, नेशनल पेंशन पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम, ये सारी चीज़ें एडमिसिबल होगी आपके सैलरी में। ओके, तो इस पीडीएफ के लिए मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। और यहाँ हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डिटेल में आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं एक दो पोस्ट के लिए बता देती हूँ, जैसे लाइब्रेरी ग्रेड वन है, इसके लिए उससे रिलेटेड उसके रेलिवेंट फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन की बात करें तो आई गेस इसकी एक ही वैकेंसी आई है। सो 25 to 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट रहेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो बीएससी एमएलटी में होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन कंसर्न फील्ड। और या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पे 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना कंपल्शन है। देन आगे हमारे पास लैब टेक्नीशियन है, 21 to 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट रहेगी। 12th साइंस से होना चाहिए और डिप्लोमा अगर आपने किया है, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, सो डिज़ायरेबल है कि या तो अगर डिप्लोमा वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बीएससी इन एमएलटी किया है डिग्री वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी तरीके से फार्मासिस्ट में है, आपने डिप्लोमा किया तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर किसी ने डिग्री किया है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 to 27 ईयर्स इसकी एज लिमिट रहेगी। कैशियर के लिए यहाँ पे दिया गया है कॉमर्स होना चाहिए, बीकॉम एंड लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड, यहाँ पे भी एमएलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। ओके, सो ये सारे क्वालिफिकेशन से बात करते हैं टेस्ट स्ट्रक्चर की। सो जैसे कि यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, बायलिंगुअल एग्जाम है, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर होगा। और यहाँ पे हम अगर किसी लैब टेक्नीशियन की बात करें तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के। दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 120 मिनट्स का ये पेपर होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड सब्जेक्ट लैंग्वेज, जो भी आपका सब्जेक्ट है एमएलटी से रिलेटेड। सो एमएलटी से ही आपके 60 क्वेश्चन होंगे, बाकी ये तो आपके 30 क्वेश्चन आपके बाकी अदर सेक्शन ये सब्जेक्ट से होंगे। सो हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये आपका इंग्लिश में होगा। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर है। और अगर डाउट है आपको एग्जाम से रिलेटेड वो आप हमें कॉमेंट कर सकते हो। इसका रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट सारी चीज़ें एम्स देवधर के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पब्लिश होगी। इसकी एप्लीकेशन कब तक चलने वाली है, 16 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 27 से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे एम्स रिक्रूटमेंट या सेंट्रल या स्टेट लेवल पर जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उन सभी के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।